मेरा साथ देना। किया मेरे को, आप वादा करे थे मेरे पीछे पार्टी का वोट बैंक नहीं, मेरे को बड़े लोगों का, मेरा आपके भरोसे पे मैं आगे बढ़ा, आप मेरे को साथ देने का वादा करे तो आगे बढ़ा। बिल्कुल आपका बेटा समझ के, बेटे का उम्र गाँव में समझ के आप साथ दीजिए, मैं आपके साथ क्या भी मामला आपका पर्सनल रहे तो मैं अटेंड करता हूँ, मिल्लत का क्या भी मामला रहा बेबा के से हिम्मत से लड़ा। बिल्कुल फायदा है, मेरे को साथ देंगे सब लोग। अरे बिल्कुल भरोसा रखिए आप, पता की जाति भी भरोसा रखिए आप भी वोट डालने से पहले दरअसल पढ़ के वोट डालो, मेरे को वोट डालना बेशक, लाना तो जीत के लाना ही है। मैं क्या बोला आपको, ये उनको होना है, गुलबर्ग के अंदर कोई नहीं बचा है, उनको अच्छे मुद्दे लाना है, उत्तमर होना है, लाना आपके दुआ। आप अपने दोस्तों को रिश्तेदार अल्लाह का एहसान है, मेरे 40-50 वोट है। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga. सब सब लोगों को बोलना पूरा है आपका, बिल्कुल सब लोगों को बोलना, सब साथ देना ये आपसे इजाजत लेने आए हैं। बिल्कुल साहब आपकी जरूरत है, आप सब लोग साथ देना, आप लोग अगर साथ इंसाफ करेंगे इस बार मेरे साथ तो आप सोच रहे हैं कि मैडम क्या कर सकती है, खाली रिटर्न काट सकती है, हर दुख में कर सकती है। मैडम की उनका नहीं है, उनको पीछे दूसरे लोग तैयार कर रहे हैं, हालात मतलब मुसलमानों के सामने मुसलम की चैलेंज है, उनकी खामोशी भी देख रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, उन्हें कुछ कर रहे नहीं है। आज मुसलमानों के सामने बहुत से मसाइल हैं जिनको फिर के लड़ना पड़ता है, बात करना पड़ता है, इस चीज़ का थोड़ा एहसास रखो, मिल्लत के साथ भी इंसाफ करो मेरे साथ। आप लोग मेरे को वायदा करते हैं साथ में, उनका आगे बढ़ता है वो सब दोनों बोले आप इनिशिएटिव लिया, आप मुंबई आप 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 पूरे फैमिली के लोग की जिम्मेदारी आप लोग आप अपने फैमिली के लोग बहुत बड़ा था, मैं इसे बोल रहा हूँ उन्होंने बहुत फिक्रमंद है, आप भी उसी इंशाल्लाह आप जिम्मेदारी ली इंशाल्लाह, मेरी एक की ताकत नहीं है, मेरे ऊपर बस की बात नहीं, आप जरा सब करेंगे तो इंशाल्लाह वायदा है सर, दुआ में भी शामिल याद रखिए सब, आपकी फिक्र लोगों को बोलना ऐसा आगे बढ़ने फिर मैं आप साथ दे तो इंशाल्लाह, आप अगर साथ देने का वायदा करना मुझे इंशाल्लाह बोलेगा क्या भी नहीं, साथ देना है मेरे को, वायदा होना है आपके साथ ही रहेगा। हम भी एक सोशल वर्कर अलहमदिल्ला, हम इस हालात को बेहतर से बेहतर जानते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप वोट डालने के लिए। हम बिल्कुल जी से अलहमदिल्ला आपके हमेशा साथ में है, आप बीच क्या आपका साथ है मेरे को वादा करना इंशाल्लाह। आपके बीच में मैं आपसे पूछने आया हूँ, मैं आपके भाई हूँ, आप ही के बीच में रहने वाला हूँ, मिल्लत का दर्द मेरे सीने में है, एक तड़प को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ, आपसे पूछने आया हूँ, जिनके लिए लड़ रहा हूँ, चाहे वो नेशनल मीडिया पे हो, मैं आपकी आवाज़ बन करके बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ रहा हूँ, अब आपसे तड़प कर रहा हूँ, आपसे इसलिए पूछने आया हूँ कि आपके लिए लड़ रहा हूँ, अगर आपको मेरी जीत और हार से कोई फर्क महसूस नहीं होता तो मेरी लड़ाई बेमानी है, मतलब की नहीं, कोई मतलब की नहीं है मेरी लड़ाई, मैं लड़ रहा हूँ आपके लिए लड़ रहा हूँ, मिल्लत के लिए लड़ रहा हूँ, मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि हिंदू के एक ताकत ऐसी है, फासिस्ट ताकत है, जो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान में सेकंड क्लास सिटीजन है, हिंदुस्तान में मुसलमान सेकंड क्लास सिटीजन नहीं है, ये मुल्क हमारा है, हिंदू मुस्लिम भाइयों की तरह रहे हैं, भाइयों की तरह रहेंगे। आज मुसलमानों को ज़रूरत इस बात की है कि जो फासिस्ट ताकत है मुसलमानों को कमज़ोर दिखाना चाहते हैं, उनके मुकाबले में खड़े हों और उनके आंख में आंख डाल कर ये सवाल पूछा जाए। आपका भाई आपका बेटा तैयार है उस लड़ाई के लिए, आपसे इजाज़त मांगने के लिए आया हूँ, आप अगर साथ देंगे तो जब तक जिंदा हो रोड पर भी एहतजाज करूँगा और असम्बली में भी भारतीय जनता पार्टी के उन फासिस्ट ताकतों के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब दूंगा। बोलिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, मैं आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, मिल्लत के साथ इंसान पार्टी में साहब नाम पे उसके नाम पे उन्होंने बोले बोल के मेरे साथ ना इंसाफी नहीं करी नहीं वायदा है। दुआ कीजिए मेरे लिए।
नासिर भाई आए नहीं, नासिर आया नहीं, गया नहीं, ना एक आदमी नहीं आ सकता मेरी पार्टी का वोट बैंक नहीं। आप लोगों का, आप लोग अपना, आप ही कैंडिडेट समझना, आपका भाई है समझना, आपका बेटा है समझना। और रियाज भाई तो होता ठीक है, रियाज भाई साथ देना, मेरे पीछे वोट बैंक नहीं है, मेरे पीछे बड़े बड़े चेहरे हैं, आपके भरोसे पे आगे बढ़ो, आप लोग मेरा हाथ पकड़ो, वायदा है आपका। बोलो ना, करते आ रहे हैं 5 साल वोट ले को जीत तो खामोश बैठने से अच्छा आपके लिए क्या भी मामला है, बात करते 100 के 100 नहीं इतने, कम से कम 80 लोगों के लिए तो आप खेलो ना, वो थोड़ी ताकतवर आदमी कदमी नहीं हो रहा, खेलो ना पार्टियों के नाम पर वोट करके क्या मिल रहा है, इधर साथ दीजिए अच्छे बुरे में आपके साथ, मैं आपके भरोसे पे आगे बढ़ना, हम आपके साथ आज से ही सब लोगों को अपने घर में खवातीन को लेडीज को जय दोस्तों में बात करो, बस 5 साल दे के देखें, ये वायदा है साथ देखने में काटने के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। आप बताइए उनकी गलती भी नहीं है, उन्होंने सियासी है नहीं, सियासी नहीं, दूसरों को जरूरत के लिए उनको आगे कर रहे हैं, 4 गुत्तेदारों को पैसे कमाने के लिए अभी भी उनको तैयार कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो समझ रहा है पैसा लीडर चाहिए जो हमारे अकेले बात है, नहीं 5 साल में इनको मैडम को है फिरने का काम रब का है, बिल्कुल साथ देना है इंशाल्लाह, अल्लाह कामयाब कर दे आपको सरकार के सत्य तबल में, तभी आप आ गए तो सबका हम मुसलमान आपको लाने की इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आपको जो है ना लाने की कोशिश करते हैं, हमारी जिद्दोजहद है, हम साहब को बोलते आ रहे हैं थोड़ी कोशिश हमारी बारी जो है ना नाकामयाब होगा इंशाल्लाह, अभी हमारी जरूर जो है ना अभी आपको जो है ना लाने की कोशिश हमारी, एक आदमी 200-300 लोगों को मैं वोट दिलाता हूँ, अपने आप में एक चैलेंज जितना आपकी ताकत, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश करो, हर आदमी अपने अपने टारगेट पकड़ो, जब हमारे पब्लिक क्या करती है पैसे पीछे फटती है, हम सीधे सीधे परमेश्वर मेरी उम्र हुई 96 आदमी कौन काम करते हो ये कट्टा को चुलाना, बस मैं तू तो पैसा बांट दूँ हिंदी चोरों को, फिर बीजेपी बुला के दूची मारते हूँ, दुआ करो साथ देने का वायदा करो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह फैसला करेगा, अल्लाह इंसाफ करेगा, आप इंसाफ करें कोशिश कीजिए, है ना स्नेह अल्लाह वाले से कहते हैं जुटी इतनी, थैंक यू सर। ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಜಾತಿ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣನ ತತ್ವದಾಗ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತವ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಈ ಸತಿ ನೀವು ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕು ದಯಮಾಡಿ, ಅದು ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟಿ ಅದು ನೋಡಬೇಡ್ರಿ, ಅವ್ರೇನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಶೌಕಿಗೆ ನಿಂತಾರ ಚುನಾವಣೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಯಾರು ಶೌಕಿಗೆ ನಿಲ್ಸರ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ಗೂ ಲಾಯಂಗೆ ಜೀತ್ಗೆ ಐಸಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೋನಾ ಹಮ್ಕು ಜರೂರಿ ಹೇ ಕ್ಯೋಂಕಿ ವಹಾಪರ್ ಕೋಯಿ ನಹೀ ಹೈ ಐಸಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಕೋ ಹಮ್ ಲಾಯಂಗೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಬಡೀ ಬಾತ್ ನೀ ಸಬ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೋಸೆ ಇನ್ಸೆ ಸರ್ವೆ ಕರ್ ರಹೆ ಹೇ ಬಹುತ್ ಖುಷಿ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೈ ಹಮಾರಿ, ಅಪೀಲ್ ಕರೆಂಗೆ ಕಿ ನಾಸಿರ್ ಕೋ ಲಾ ಬೋಲ್ಕೆ ಯಹಿ ಕರೆಂಗೆ ಆಜೂ ಬಾಜೂ ಜೋ ಭೀ ಹೈ ಹಮಾರೆ ನಾಸಿರ್ ಕೋ ದೀಜಿಯೇ ವೋಟ್ ಬೋಲ್ಕೆ ಕೋಶಿಶ ಕರೆಂಗೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ, ಮೇ इसकी ज़रूरत है भाई, लेडीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेडीज़ काम नहीं कर सकती, घर में रहती हूँ, खातून है वो, अब 5 साल से क्या करो नो, अब लेडीज़ को पूछ ही नहीं सकते, उनके गार्ड्स को आने नहीं देते, मैडम सो रहे आराम कर रहे, वो कर रही है कर रही बोलते हैं क्या करना है, बाहर सीमेंट के कुछ हमको बैठना है, हाँ ना 5 साल अब महरूम मरे गए मैडम से, लोगों का ताउन होना चाहिए, फायदा क्या ला के। आज हमारे एरिया में जनाब नासिर उस्ताद साहब आए हैं, लोगों का अच्छा रिस्पांस है, सभी लोग दिल से यही चाह रहे हैं कि इस बार नासिर उस्ताद को ही जिताएंगे, लोग यही चाह रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिले विल बी नासिर हुसैन उस्ताद, आप लोगों से सभी से गुजारिश है कि आप लोग खुलकर नासिर उस्ताद का साथ दीजिए और कामयाब बनाइए, एक ऐसा वाहिद लीडर है बेबाग है जो असम्बली में बात कर सकता है, हर लैंग्वेज पर कमांड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक बार आप कामयाब करिए इंशाल्लाह आप सब चीज़ें, मुझे उम्मीद है कि ये पार्टी आने की उम्मीद है, मुझे अब से नहीं है बहुत दिन से चल रहा है, इससे पहले भी उन्होंने ये कोशिश की है मगर नाकाम हुए, आपकी कोशिश बिल्कुल कामयाब होगी क्योंकि मुझे भरोसा है अल्लाह ताला उनके साथ में है और हमारे साथ भी हमारी भी पार्टियां हैं, हम भी हमारे सगों को रिश्तेदारों को हम बोलेंगे कि फलां चीज फलां को वोट दो क्योंकि हमारे को अच्छे बुरे में काम आने वाले है, दूसरा और कुछ बोलने की ताकत तुम्हारे पास नहीं है, अल्लाह ताला उनको खैर करिए, उम्मीद से मुझे भरोसा है कि उन्होंने आएंगे, इससे पहले भी नासिर भाई को मिल के आया था, इनू भाई को मिल के आया था और ये पार्टी का मुझे भरोसा है कि आएंगे,
क्योंकि ये अच्छे काम करेंगे तो हमेशा आते रहेंगे, आपस में झगड़े वगैरह लगाना करना वो अच्छी चीज़ भी नहीं है, वो कुछ समझ में भी आने वाला नहीं है। दूसरा कुछ भी नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये मुझे भरोसा है कि ये भाई आएंगे।